आज बनाने जा रहे हैं कोकोनट की बिस्किट, और वो भी कढ़ाई में। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई बात नहीं, आज हम कढ़ाई में बनाएंगे और वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से, और खाने में बहुत ही टेस्टी है। चलो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है, इसमें मैं डालूँगी 100 ग्राम्स बटर। यहाँ पे मैंने अमूल बटर लिया है और इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हैंड ब्लेंडर की हेल्प से। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। इसे 5 से 6 मिनट अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 1 कप डाल रहे हैं शुगर पाउडर, और इसे अच्छे से हम छान लेंगे। और अच्छे से छान कर हम इसे बटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, और इसे भी हम थोड़ी देर तक ब्लेंड कर लेंगे इसके साथ। शुगर और बटर को अच्छे से फेंटना बहुत ज़रूरी है। इसे हमें बहुत अच्छे से 5 से 6 मिनट तक लगातार फेंटते रहना है। अगर आपको लगता है कि आप हाथ से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये मिक्सचर जितना अच्छे से हम इसको फेंटेंगे, हमारा जो कोकोनट बिस्किट है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। हमने यहाँ पे ऐड किया है डेसिकेटेड कोकोनट 1 कप। इसे भी हम यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये बटर है तो मिक्स होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर फिर भी हम बहुत अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स हो जाए अच्छे से, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा। जिस कप से आपने शुगर पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट नापा था, उसी से आप मैदा भी नापेंगे, और 1.5 कप यहाँ पे हम डालेंगे। और उसके बाद इसमें हम इसी मैदे में डाल देंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। हमें बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं। और उसे भी हम अच्छे से छान लेंगे इसमें छान कर, और फिर इसे हम मिक्स करेंगे। इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके हमें इसका एक डो के जैसा बनाना है। तो ये अगर आपसे स्पून से नहीं हो पा रहा है तो आप इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। स्पून से अच्छे से नहीं मिक्स होता है, तो इसे मिक्स करके अच्छे से और हाथ से एक आप डो बना लेंगे। आपको अगर लगता है कि थोड़ा बहुत दूध की ज़रूरत है, थोड़ा ड्राई हो रखा है, तो आप इससे 2 से 3 स्पून इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसे दूध से अच्छे से मिक्स करके हम एक डो बना लेंगे। हमारा डो रेडी हो चुका है। अब हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट के ऊपर में एक बेकिंग पेपर, अगर आपके पास है तो आप वो लगा सकते हैं, या नहीं है तो एक प्लेन पेपर के ऊपर आप ऑयल ग्रीस करके उसे लगा सकते हैं। और उसे लगाकर इस पर, क्योंकि हम कुकीज़ बेक करेंगे इसलिए हमने इसे इस तरीके से लगाया है। अब हम इसे कुकीज़ का शेप देंगे, तो हम इसे पहले गोल करके और बीच से थोड़ा दबा देंगे, इस तरीके का शेप देंगे। आप बहुत बड़ा ना बनाएं, क्योंकि ये फिर बेक होने के बाद ये फैलता है, तो और थोड़ा दूर दूर ही रखें क्योंकि ये चिपक जाएगा फिर। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ड्राई कोकोनट ले रखा, और एक साइड में हम कुकीज़ के कोकोनट को लगा देंगे अच्छे से, और ऐसे ही हम सारा रेडी कर लेंगे। अब हम चलते हैं बेक करने की तरफ। बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई को 15 मिनट पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इस कुकीज़ के प्लेट को डालेंगे कढ़ाई में, एक स्टैंड डालकर। नीचे आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप प्लेट रख सकते हैं। इसके हम ढक कर और एकदम स्लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। और 15 से 20 मिनट के बाद ये देखिए हमारा कुकीज़ बिल्कुल, हमने छोटा छोटा बनाया था पर ये फूल कर और भी फैल गया है, बड़ा हो गया है, और ये बिल्कुल रेडी है बनके। पर हमें इसे अभी नहीं खाना है, हमें इसे लगभग आधा घंटा के लिए ठंडा कर लेना है। और ये देखिए आधे घंटे के बाद हमारा कोकोनट कुकीज़ या कोकोनट बिस्किट, जो भी कह लें आप, एकदम बिल्कुल बनके रेडी है। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल मुँह में पिघल जाता है क्योंकि इसमें बटर है। तो अगर आप भी घर में अपने तारीफ पाना चाहते हैं लोगों से, तो ये बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे वीडियोस को लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू।